لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعت كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. الحمد لله نحمده ونستعينه. क्या मतलब? तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी हम्द करते हैं, उसी से मदद तलब करते हैं. ونعوذ بالله من شرور انفسنا, हम अपने नफ्स के शर से पनाह मांगते हैं अल्लाह की. ومن سيئات اعمالنا, अपने बुरे अमाल के शर से भी पनाह मांगते हैं. من يضلل الله فلا هادي له, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता. ومن يهده فلا مضل له, जिसे खुदा हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता. कैसा खूबसूरत कलाम है ना, खुद में निकाह के खुतबे में पढ़ा जाता है. फिर आगे खुतबे में क्या पढ़ते हैं, चलो इस बहाने थोड़ा सा निकाह का खुतबा भी आ जाए आपके सामने, ताकि आप लोग की जो शादियां हुई हैं आपको पता चले आपको बताया क्या गया उसमें, ठीक है ना. फिर जो मसनून है, आयत है, या अय्युहन्नासु तक्कू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा. क्या खानदानी आयत है, मसनून है ये खुतबे में. ऐ लोगो, उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक आदम से पैदा किया. अब मियाँ बीवी का मिलाप हो रहा है ना, मर्द और औरत का, उनको याद दिहानी कराई जा रही है कि सबसे पहला मिलाप आदम और हव्वा का हुआ था. वो भी शादी थी और एक आज शादी हो रही है. वो खुदा ने अपनी कुदरत से आदम को पैदा किया, उनकी पसली से हव्वा को पैदा किया. उस रब से डरो. असल में तो वो ये सारी, ये जो मियां बीवी की शादी है, ये भी खुदा की कुदरत की एक दलील है. ये कुदरत उस वक्त से शुरू हुई थी जब आदम को मिट्टी से पैदा किया और उनकी जौजा अम्मा हव्वा को पैदा करके وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, उन दोनों के मिलाप से अरबों खरबों इन मर्दों और औरतों को जमीन में उस अल्लाह ने फैला दिया. ये उस खुदा की कुदरत है और उसी कुदरत का आज एक नमूना है ये दूल्हा और दुल्हन. بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, अल्लाह कहते हैं बहुत सारे मर्दों और औरतों को मैंने फैला दिया. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام, उस रब से डरो जिसका वास्ता दे के तुम एक दूसरे से हुकूक लेते हो और अरहाम और रिश्तेदारी का भी वास्ता देते हो. यानी अल्लाह ने एक और इनाम गिनवा दिया अपना कि उस रब से डरो कि जब तुम्हें कोई जरूरत पड़ती है ना अपना हक लेने की, तो वास्ता किसका देते हो? खुदा. तो हम क्या करते हैं, वत्तकु अल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही अल-अरहाम, दूल्हा दुल्हन को समझाया जा रहा है तो इंसान के बच्चे बन जाओ. ये खुतबा ऐसा है, आप नेट पे लिखो इसका तर्जमा आ जाएगा. फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, दूसरी आयत जो पढ़ी जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालों अल्लाह से डरो और हमेशा सीधी सीधी बात किया करो. क्या किया करो? यानी कि सच्ची बात, क़ूलू क़ौलन सादिका नहीं कहा अल्लाह ने, क़ूलू क़ौलन सदीदा. सदीदे मतलब सीधी सीधी, टेढ़ी मेढ़ी आड़े तिरछे नहीं, चल बातें नहीं किया करो. इससे फायदा क्या होगा? युस्लिह लकुम अमालकुम, तुम्हारे अमाल को दुरुस्त कर देगा. ये मियां बीवी को समझाया जा रहा होता है कि अभी से ना सीधी बात करना सीखो, टोपियां घुमाना. शोहर बीवी को टोपियां, बेगम मियां को पूरी जिंदगी किस पे चलती है? टोपियों पर. सीधी बात करते ही नहीं. और फिर हदीसें पढ़ी जाती हैं, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है. फमर रगीब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, जो मेरी सुन्नत पे नहीं चलेगा वो मुझसे नहीं होगा. दूल्हा को हौसला अफजाई की, तू बेटा जिंदगी में पहली दफा कोई इंसान ढंग का काम कर रहा है, तू नबी की सुन्नत को बोलते क्यों नहीं भाई, जिंदा कर. और इत्तेफाक की बात है, दूसरी शादी में भी यही खुतबा है, तीसरी में भी और चौथी में भी. क्या मतलब? दूसरी में भी उसको अप्रिशिएट किया जाता है सुन्नत कर रहा है, तीसरी में भी चौथी में भी. समझते? ये वैसे ही दरमियान में जनरल नॉलेज के लिए एक बात आ गई थी. मैं आपको बताया, इस टॉपिक पर आजकल बिल्कुल भी नहीं बोलता. तो आगे अल्लाह ताला के आगे क्या हदीस में है जो खुतबे में पढ़ा जाता है, قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم, ऐसी औरत से निकाह करो मोहब्बत करे और तुम्हें औलाद ज्यादा दे, मैं क़यामत के दिन तुम्हारी कसरत पे फख्र करूंगा. मियाँ बीवी को समझाया जाता है नस्ल मत रोकना, तुम्हारा मिलाप पायदार कामयाब खुशियों भरा और आखिरत में तरक्की का सबब जब ही हो सकता है जब तुम दोनों औलाद की कसरत चाहो. शुरू में ही चाहते हैं कि हमारे औलाद ना हो, इसकी भी नफी की गई. और क्या पढ़ा जाता है खुतबे में, وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى, निकाह करो ईसाइयों के पादरियों की तरह ना बनो. رغب عن سنتي فليس مني, नबी ने फरमाया जो निकाह ना करके मेरी सुन्नत से एराज करेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक. और حبب الي النساء والطيب,
نبی نے فرمایا دنیا میں دو چیزیں محبوب ہیں، ایک نکاح کی کثرت اور ایک خوشبو۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔